हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद गुरु चेला डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद गुरु चेला पर डियर बी ए ऑनर्स पॉल साइंस थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जानने और देखने का प्रयास करने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास्ट ईयर्स ओ बी पेपर्स को डिगर स्टूडेंट्स जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चन को पूछने का कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन को पूछा गया है एंड सो ऑन सो डिगर स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप बी ऑनर्स पॉल साइंस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें वीडियो को अंत तक जरूर देखें डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं कुछ भी डाउट्स हैं कुछ भी आपके सजेशन्स हैं तो आप वाया YouTube कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सेंड कर सकते हैं हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की आने वाली कंसेपशंस की जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलती रहें आपसे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन किसी भी प्रकार का वीडियो मिस ना हो डियर स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज को अपने डाउट्स को रख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें डियर स्टूडेंट्स आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर टू के ट्वेंटी के ओ बी ई क्वेश्चन पेपर को डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर के टॉप पर कुछ चीज़ों को मेंशन करा गया है जैसे कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस टू प्रिंटेड पेजेस देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड इस सब्जेक्ट का इस पेपर का जो यूनिक पेपर कोड है वो है वन टू थ्री टू वन थ्री जीरो टू म ऑफ दी कोर्स बी एनर्स पोलिटिकल साइंस दैन नेक्स्ट है टाइटल एंड नेम ऑफ द पेपर विच इज़ परस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड सेमिस्टर का आपका ये क्वेश्चन पेपर है डियर स्टूडेंट्स अगर हम टाइमिंग की बात करें आपके एग्जामेशन्स जो हैं वो भी फॉर्मेट में कन्डक्ट करा जा कराए जा रहे हैं दिसंबर टू के ट्वेंटी वन में भी सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको पता है कि जिस आपको थ्री आवर्स दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को आंसरिंग करने के लिए एंड एडिशनल वन आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए एंड जो आपकी आंसर शीट्स की जो पीडीएफ डी हैं उनको अपलोड करने के लिए एंड आंसर पेपर को सबमिट करने के लिए सो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल आपको फोर आवर्स दिए जाते हैं ओ बी फॉर्मेट में जो आपके एग्जामिशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसमें थ्री आवर्स आपको होते हैं आंसर राइटिंग के लिए एडिशनल वन आर आपको होता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आंसर शीट्स को अपलोड करने के लिए सो so, इस प्रकार आपके पास टोटल फोर आवर्स हैं अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है कुछ नॉट जो हैं वो गिव है जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करना है आंसर्स में भी रिटर्न आई दर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी followed थ्रू आउट paper. इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों के माध्यम जो हैं वो एक ही होना चाहिए यानी कि स्टूडेंट्स जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर गिविन हैं, एंड जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको करने हैं अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और उसको आप हिंदी मीडियम अटैम्प्ट करते हैं तो आपको बाकी थ्री क्वेश्चन के भी जो आंसर हैं वो आपको हिंदी मीडियम में ही लिखने होंगे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर आपको इंग्लिश मीडियम ही अटैम्प्ट होंगे आपको एक ही मीडियम जो है वो यूज़ करना है आंसर राइटिंग के दौरान देन अटैम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर गिविन है उनमें से आपको एनी फोर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जो आपके बेस्ट तरीके से आते हों ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं सो डियर स्टूडेंट्स आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन क्या है लोक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए आपको बेसिकली बताना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है क्या उसका अर्थ है ठीक है क्या उसकी वेरियस डेफिनेशन हैं सो so इस प्रकार आपको सबसे पहले सबसे पहले डिस्कस करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आखिरकार मतलब क्या है क्या समझते हैं आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से देन आपको एक डिफरेंस दिया गया है जो कि आपको लिखना है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच आपको बताना है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्या मेजर डिफरेंसेस हैं क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स देन क्वेश्चन नंबर टू है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स वेवर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही सिद्धांत के योगदान की आपको विवेचना करनी है आपको आपको डिस्कस करना है मार्क्स वेबर थ्योरी ऑफ टाइप ब्यूरोक्रेसी के क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये बेसिकली आपको इसके अंदर कवर करना है ये बेसिकली आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है डिस्कस करना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जामिन हर्बर्ट साइमन रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी आपको हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय सिद्धांत का परीक्षण करना है आपको एग्जामिन करते हुए आपको डिस्क्राइब करना है हर्बर्ट साइमन रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी को दे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर डिफाइन पब्लिक पॉलिसी आपको पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करना है कि आप समझते हैं पब्लिक पॉलिसी को वो आपको बताना है एग्जामिन इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी किस प्रकार ये फॉर्मुलेट होती है किस प्रकार इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ये भी आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है डिस्कस करना है लोक नीति को परिभाषित कीजिए लोक नीति के निर्माण तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं डिस्कस इट्स मेन एलिमेंट्स जो इसके मेन एलिमेंट्स हैं वो आपको डिस्कस करने हैं विकास प्रशासन क्या है इसके मुख्य तत्वों की आपको चर्चा करनी है देन फाइनल एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या मेन फीचर्स हैं ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करने हैं एक्सप्लेन करने हैं नवलोक प्रशासन के मुख्य विशेषताओं की आपको विवेचना करनी है सो so, स्टूडेंट्स इस प्रकार पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ओ बी ई क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चनस रहे हैं सिक्स जिनमें से आपको एनी फोर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है पूछे गए हैं एक दो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर कर भी पूछे गए हैं सो डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से इस क्वेश्चन पेपर की जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें ठीक है क्योंकि कुछ नहीं पता आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँ नाउ माई डियर स्टूडेंट्स आइए अब बात करते हैं मार्च टू के ट्वेंटी वन में बी ए ऑनर्स पॉल साइंस थर्ड सेमिस्टर का जो ओ बी ई क्वेश्चन पेपर रहा है ऑन ऑन परस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया है क्या बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चन को पूछने का सो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ओवरऑल इसमें वही सेम चीज़ें मैंशन हैं

अगर हम बात करें तो सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है टाइमिंग की अगर हम बात करें तो थ्री आवर्स आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए एडिशनल वन आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आंसर शीट्स को अपलोड करने के लिए टोटल आपके पास है फोर आवर्स सो डियर स्टूडेंट्स कुछ नॉट यहाँ पर गिविन है बेसिकली उसी प्रकार हैं आंसर्स में बी रिटर्न आदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोअर्ड दश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए अटेंट एनी फोर क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर सिक्स रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है यह आपको डिफाइन करना है देन क्या उसका नेचर है क्या उसका स्कोप है यह आपको ओवरऑल इसके अंदर कवर करना है डिस्क्राइब करना है लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू एग्जामिन द वेरियस स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन देखिए जो डिफरेंट एंड वेरी स्टेजेस रही हैं इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन में वो आपको एग्जामिन करते हुए वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको डिस्कस करनी है आपको एक्सप्लेन करनी है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों का परीक्षण कीजिए द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हारथ्रॉन स्टडीज देखिए हार्डथ्रॉन अध्ययनों के महत्व की आपको विवेचना करनी है आपको बताना है क्या उसका इंपॉर्टेंस है क्या उसका मीनिंग है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर राइट एन एच ऑन मैक्स वेवर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी आपको एक लॉन्ग एस्ट से लिखना है मार्क्स वेवर मैक्स वेबर थ्योरीज ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी पर मैक्स वेवर के आदर्श नौकरशाही प्रतिमान पर आपको निबंध जो है वो लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज पब्लिक पॉलिसी डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी आपको बताना है कि पब्लिक पॉलिसी है क्या क्या उसका मतलब है क्या उसका इंपॉर्टेंस है क्या उसका सिग्निफिकेंस है एंड सो ऑन लोक नीति क्या है लोक नीति के महत्व की आपको विवेचना करनी है देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स एग्जामिन द फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के नारीवादी दृष्टिकोण का आपको परीक्षण करना है आपको बताना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के द्वारा क्या है क्या बताया गया है फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस प्रकार देखते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या डेफिनेशन निकल कर आती है ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है सो so, ओवरऑल इसमें भी सिक्स क्वेश्चंस रहे हैं जिनमें से आपको एनी फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे जो आप बेस्ट तरीके से आते थे सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप आप जान गए होंगे समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है पास टीयर्स ओ बी पेपर्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के अंदर इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु गुरुचे पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की आने वाली कंसेप्शन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें एंड आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन मिस ना हो डियर स्टूडेंट्स अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का सो डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेज फॉर योर एग्जामिनेशन